चार जाति की हम गारंटी देते हैं कि सवारी लगा हुआ है। और यह नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और यह मुतरमा हीना साहब की शख्सियत है कि तीन चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने किसी के प्रति बेअदबी से कोई शब्द नहीं दिया। और इस समाज और जनता बड़ी बारीकी से इस बात को देखा कि तीन चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने कोई अपशब्द, कोई उग्र भाषा का इस्तेमाल किसी समाज के लोगों के प्रति नहीं किया। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85399 43151। वह प्लस पॉइंट बन जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट, किसी धार्मिक स्थल पर मैडम गई हुई थी, लोगों ने पूछा कि मैडम आपको किसी रंग से, मैडम ने बड़ी सात्विकता से, बड़ी सार्थकता से जवाब दिया कि हमको सभी रंग प्रिय हैं, हम सभी रंग से प्रेम करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं जो हम और लीलावती मैडम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। हम लोग के ब्राह्मण समाज की रैली होने वाली थी टाउन हॉल में, और कृष्णा पांडे जी की मीटिंग चल रहा था। हम उस समय जिला के अध्यक्ष थे ब्राह्मण समाज के। यह राय हुआ, कृष्णा पांडे जी बोले कि बाहर से क्यों नेता आई क्या पंडित जी के, तो हम भी कहने जा कि रघुनाथ जी उधर केंद्र के मंत्री रहनी बुला लिया जाओ। तो एमपी साहब सदर अस्पताल में उस समय थे, एमपी साहब के पास ये सूचना गई कि भाई रघुनाथ झा के बुलाने की जिम्मेवारी आपको है, ध्यान से सुनिएगा अपने, यह जो रंग सभी प्रिय है ये आज का देन नहीं है, एमपी साहब का भी देन है। तो एमपी साहब ने कहा कि हम तो रघुनाथ झा जी के बोल देंगे, लेकिन केवल भाजपा के नेता के बुला लो ना तो ये अनबैलेंस हो जाए। लोग कही यार राजद के ब्राह्मण की मीटिंग का, उन्होंने सुझाव दिया, मेरे सामने की बात है, उनके कहने पर हम लोगों ने मंगल पांडे को बुलाया और वह मीटिंग सफल हुआ। टाउन हॉल में जितने बाहर लोग थे उतने अंदर लोग थे, और उसका मीडिया जो कवरेज है मोटा मोटा हेडिंग में हम रखे हुए हैं, कभी आप लोग दिखाएंगे फेसबुक पर डालेंगे, मोटा मोटा हेडिंग में ब्राह्मणों का जो सम्मेलन हुआ टाउन हॉल। यह एमपी साहब का उस समय का देन है कि सभी रंग प्यारे, तुम चाहते तो केवल रघुनाथ झा जी को बुलाकर मीटिंग करा लेते और एक तरफा मीटिंग होता और लेबल लगता कि राजद के ब्राह्मण समाज के मीटिंग है, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी भाजपा के ब्राह्मण नेता को भी आप लोग बुलाइए। हम लोगों ने मंगल पांडे को बुलाने का काम किया, उस समय प्रदेश के महामंत्री थे, अध्यक्ष नहीं थे, और वो आए और मीटिंग हुआ। एकमात्र इसमें से गवाह मैडम लीलावती गिरी थी, तो इसलिए उनका जो प्रेम था एमपी साहब का, उन्होंने अपने तरह से किसी को नहीं बांटा, वो हम लोगों ने बांटा हिंदू मुसलमान किया। तीन चुनाव में एमपी साहब ने जितना विकास का काम किया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, अस्पताल बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, एमपी साहब के लड़के पढ़ने जाते थे, हमारे आपके बीच के लड़के पढ़ने जाते थे, 50 रुपया डॉक्टर फीस लेता था, एमपी साहब के परिवार के कोई दिखाने जाता था, हमारे और आपके बीच के लोग जाते थे दिखाने के लिए। और ये दावा है कि अगर हीरा साहब एक सांसद बनती है तो फिर 50 रुपया फीस होगा डॉक्टर का, और प्रेम से कराया जाएगा, प्रेम से कराया जाएगा। और दूसरी बात कि मैडम जीत गई है, उसमें दो राय नहीं है। अगर कोई भ्रम पालता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें हमारे सभा में आए, सहयोग बढ़ाए, उनका आभार है, लेकिन वह जदयू के कैंडिडेट को वोट देने नहीं जा रहे, और वो इसलिए नहीं देने जा रहे हैं कि रमेश कुशवाहा है, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर जीत के जाएंगे तो नीतीश कुमार फिर पट्टी मार के लालू यादव तक चले जाएंगे, तो हम कहे रमेश कुशवाहा को भेंट वोट देकर अपना वोट बर्बाद करें। और हीना मैडम के प्रति ये विश्वास है, ये जबान की थनी है, ये कहीं नहीं जाएंगे, जो समाज कहेगा वहां जाएंगे। इसलिए वोट बर्बाद नहीं करना है और जीती हुई कैंडिडेट को जीता देना है और श्रेय लेना है द्रोणाचार्य की ऐतिहासिक धरती पर। जितने लोग बैठे हैं समाज के लोग, हमारे बड़े भाई छोटे भाई सब यहाँ आए हुए हैं, और क्षेत्र के लोग भी आए, उनका आभार व्यक्त करते हुए।
और सभी जो मंचासीन लोग हैं उनका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः ब्राह्मण समाज की तरफ से ब्राह्मण के मुख से आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। जय हो, जिंदाबाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।